तो महाराष्ट्र की हर पल बदलती तस्वीर पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार नजर बनाए हुए और हर पल नया अपडेट सामने आ रहा है। कोशिश करते हुए कल तक नजर आ रहे थे तमाम शिवसैनिक और जो महाविकास अघाड़ी के दूसरे दल हैं, ये कहते हुए कि नहीं, सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही वर्षा बंगलो छोड़कर मातोश्री पहुंच गए उद्धव ठाकरे, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि खुद उद्धव ठाकरे ने हथियार डाल दिए हैं और सवाल इसी को लेकर उठ रहे हैं कि अब अगला कदम उद्धव ठाकरे का क्या होगा, अगला कदम एकनाथ शिंदे का क्या होगा। एक बार अपडेट के लिए रुक कर लेते अपने सहयोगी मृत्युंजय का, जो लगातार पूरे हालात पर नजर रखा है। मृत्युंजय, विषय संपला, तुम्ही खूप जुने जाणते आहात, एकनाथ शिंदे जुने जाणते आहेत, त्यांनी केलं तुम्हाला पटलंय का? बघा काय पटले काय नाही पटले हे बोलून काय उपयोग नाही, त्यांना जे करायचं ते करू द्या। शिवसेना शिवसेना रहे का, हमको किसी की फकर नहीं। म्हणजे एकूण तुम्हाला वाटतं का स्प्लिट होणार आहे? सर एक बात ये भी आई है कि शिवसेना ही चाहती है कि ये पूरा ड्रामा करके एनसीपी और कांग्रेस से अलग हो जाए। ऐसा गलत काम कभी शिवसेना नहीं करती, शिवसेना गलत काम कभी नहीं करती। कारण क्या रहा ये शिवसेना? कारण से मतलब नहीं, जो उनको जाके पूछो, वो गुवाहाटी में बैठा उनको जाके पूछो। आप क्या मान रहे हो, आपके हिसाब से कौन सा कारण है? वो कारण उनको जाके पूछो, जो गुवाहाटी में जाके बैठा है ना उनको जाके पूछो। बीजेपी वाले लेके गए, चलो बहुत हो गए, कोई जरूरत नहीं हमको बात की। सरकार वो देखेंगे कैसे डिजाइन दे रहे क्या? कौन बोला तुमको? तुमको कौन बोला? नहीं नहीं वो देखेंगे आंकड़े आंकड़े के बाद में। सर फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट होगा। अरे यार आप लोग जाएगा या नहीं जाएगा? शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ चली जाएगी। तो आप सुन रहे थे डिप्टी स्पीकर महाराष्ट्र विधानसभा के नरहरि जिरवाल को, जो कह रहे थे कि उन लोगों से पूछिए जो गुवाहाटी, और हम सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी मृत्युंजय का। मृत्युंजय, जिस तरीके से एनसीपी की बैठक हुई, सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं इसके पीछे शिवसेना के ही लोगों का हाथ और आशीर्वाद तो नहीं। लगातार ये जो शक की सुई है, ये अब किसकी तरफ घूमती जा रही है? देखिए निश्चित तौर पर एनसीपी और कांग्रेस के नेता और बड़े नेता कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे संभव है कि जो विधायक उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत करते हैं, नारा लगाते हैं कि उद्धव ठाकरे जिंदाबाद, और अगले ही दिन वो विधायक सीधा सूरत चले जाते हैं और सूरत से वो सीधे गुवाहाटी चले जाते हैं। बात कर रहे हैं मुंबई के विधायकों की, जो परसों तक उद्धव ठाकरे के साथ थे, उनके घर के बाहर नारा लगा रहे थे। यहां तक कि जब अजय चौधरी को गट नेता चुना गया तो उस पर हस्ताक्षर कर रहे थे, वो चाहे वो सदा सरवरकर हो चाहे मंगेश कुडालकर हो, ये सब मुंबई के विधायक हैं। कल वो सूरत चले गए और सूरत से गुवाहाटी चले गए। ऐसे पर जो अब आपने देखा, हमने एक बाइट सुनाई नेताओं का, शिवसेना के नेता जो यहां पर आ रहे हैं, पांडुरंग सकपाल, दगड़ू सकपाल ये पहुंचे हुए थे, साथ ही साथ बाबा साहेब पाटिल जो कि रायगढ़ के संपर्क प्रमुख है वो पहुंचे हुए थे। उनका कहना है जो चले गए वो चले गए, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि आंकड़े नहीं है, पक्ष में 40 से ज्यादा विधायक चले गए, पर अभी भी यही कहा गया है कि जो चले गए वो चले गए, यानी रस्सी जो है जल गई है पर बल नहीं गया है, इस प्रकार का एक कार्यकर्ताओं का एक मत है। पर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एनसीपी और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रही है कि आखिरकार 40 विधायक आंखों के सामने जा रहे हैं, वो उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा, अब तो सांसदों के जाने की बात सामने आ रही है। तो इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये मैच फिक्स तो नहीं है, क्या ये पूरी रणनीति के तहत तो नहीं किया गया है, और क्या सही में गठबंधन से बाहर निकलने के लिए शिवसेना ने योजना तो नहीं बनाई है। ये सवाल एनसीपी और कांग्रेस के नेता सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। Come here. Curiosity. Curiosity नहीं, Curiosity. वो क्या? That's what brought you here. जो तुम्हें यहां तक ले आया। Curiosity. ABP News, आपको रखे आगे।